अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लैमिनेरिया। लास्ट टाइम हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी की थी लैमिनेरिया में, क्योंकि रिप्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन क्यूरीज हैं, किसी भी तरह की आपको आपकी डिमांड है उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे भी आपको एज वेल ऐसी वीडियोज़ एंड नोट्स आर आल्सो अवेलेबल। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैमिनेरिया में क्या है, छोटा सा है। इसमें टॉपिक के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने लास्ट टाइम जो है लाइफ साइकिल में पढ़ी है, ठीक है। तो इसी तरह ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें गैमेट जनरेशन की जो है वो ऑल्टरनेशन होगी। सबसे पहले तो जो जू स्पोर्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से स्पोरोफाइट में बने थे उनकी जर्मिनेशन होगी, ठीक है। दिस स्पोर्स जूस्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, एंड व्हेन द जूस्पोर्स सेटल डाउन ऑन द सबस्ट्रेटम गेट गैमेट्स टू प्रोड्यूस ए शॉर्ट जर्म ट्यूब, ठीक है। जैसे ही वो जर्मिनेट करेंगे, जूस्पोर्स सेटल डाउन हुए हैं, रिलीज हुए हैं स्पोरोफाइट से, उन्होंने फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बनाना है। जैसे ही वो सबस्ट्रेटम के ऊपर सेटल डाउन होंगे, जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करते ही एक शॉर्ट जर्म ट्यूब बना देंगे। द जर्म ट्यूब डेवलप्स इनटू ए शॉर्ट फिलामेंट एंड व्हिच आल्सो हैज फ्यू स्मॉल ब्रांचेस। ये जो शॉर्ट जर्म ट्यूब बनी है, इसी के ऊपर शॉर्ट फिलामेंट बनेगा, यानी उसकी थोड़ी सी ग्रोथ होगी तो वो एक फिलामेंट की स्ट्रक्चर ले लेगा, ठीक है। एंड व्हिच इज आल्सो विल हैव द फ्यू ब्रांचेस, उसकी कुछ ब्रांचेस भी होंगी। एंड द होल बॉडी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अदर मेल और द फीमेल गैमेटोफाइट, और फिर जो एक पूरी बॉडी है उसकी ट्रांसफर हो जाएगा या वो कन्वर्टेड हो जाएगी इनटू ए मेल एज वेल एज द फीमेल गैमेटोफाइट। मींस के मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो हैं वो दोनों उस पे बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट किस तरह होगी, इट इज द माइक्रोस्कोपिक इन साइज, यानी छोटा इसका साइज है, एंड स्मॉलर देन द फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट से भी छोटा है। व्हेन मैच्योर इट बियर्स मेनी एंथेरिडिया एट द टॉप ऑफ द लेटरल ब्रांचेस। जो लेटरल ब्रांचेस है उसके टॉप के ऊपर इसमें बहुत ज्यादा एंथेरिडिया बन जाते हैं, ठीक है। एंड ईच एंथेरिडियम इज ए स्मॉल बॉडी, एक राउंडेड सी बॉडी है हर एंथेरिडियम, एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल बायोफ्लैजेलेटेड एंथेरियोजॉइट। हर एंथेरिडियम जो है वो एक राउंडेड बॉडी है, स्मॉल बॉडी, और उसके अंदर एक एंथेरिडियम बनेगा जिसको हम एंथेरियोजॉइट कहते हैं। एक एंथेरिडियम के अंदर एक ही बायोफ्लैजेलेटेड एंथेरियोजॉइट बनेगा, जिसको आप मेल गैमेट कह सकते हैं। द फ्लैजेला इन द एंथेरियोजॉइट आर अनइक्वल एंड आर प्रोड्यूस्ड एट द लेटरल पोजीशन। जो फ्लैजेला बनेंगे, क्योंकि ये फ्लैजेलेटेड है, जब इसमें फ्लैजेला बनेंगे तो अनइक्वल इन साइज होंगे, बायोफ्लैजेलेटेड है, दो फ्लैजेला बनते हैं, एंड प्रोड्यूस एट द लेटरल पोजीशन, और वो फ्लैजेला जो है वो लेटरल पोजीशन पर बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल गैमेटोफाइट। द फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर। फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये भी माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर है, मतलब छोटा है, बट इट्स स्ट्रक्चर हाउ एवर इट इज लार्जर देन द मेल गैमेटोफाइट, लेकिन ये मेल गैमेटोफाइट से जो है बड़ा है साइज में। एंड द फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस ओगोनियम एट द टर्मिनल एंड और द इंटरकैलरी पोजिशन। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो टर्मिनल एंड पे बनेगा, जो इसका फीमेल गैमेटोफाइट टर्मिनल एंड पे बनेगा ब्रांचेस का, या फिर एट द इंटरकैलरी पोजीशन, वो दोनों जगह पे बन सकते हैं। ईच ओगोनियम इज ए लार्ज बॉडी एंड फॉर्म्स अ सिंगल ओस्पोर। हर ओगोनियम जो है वो एक सिंगल लार्ज बॉडी है, उसके अंदर एक ही ओस्पोर बनेगा, ठीक है, जिसको हम ओस्फियर कहते हैं, सिंगल ओस्फियर। एंड द ओगोनियम इज सराउंडेड बाय अ म्यूसिलेजिनियस कवरिंग विच फॉर्म अ कप लाइक स्ट्रक्चर एट इट्स एपेक्स। जो ओगोनियम है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, म्यूसिलेजिनियस कवरिंग प्रोवाइड करता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि एक एपेक्स पे एक स्ट्रक्चर है, उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा म्यूसिलेजिनियस लेयर। एंड व्हेन इट मैच्योर्स, जब वो मैच्योर होगा, द ओस्फियर इज पार्शियली डिस्चार्ज आउट ऑफ द ओगोनियम एंड रिमेन्स अटैच टू इट्स एपेक्स। और ऐसे होता है कि जब भी उसकी रिलीज होगा फीमेल गैमेटोफाइट में से ओगोनियम का, वो हाफ जो है वो डिस्चार्ज होता है, पार्शियली डिस्चार्ज होता है, और पार्शियली अपने एपेक्स के साथ ही अटैच रहता है। नेक्स्ट जो है वो है फर्टिलाइजेशन। अब दोनों गैमेट्स बन गए, यानी फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट बन गए, और उनमें उनके गैमेट्स जिनको हमने ओस्फियर और एंथेरियोजॉइट का नाम दिया। अब क्या होगी फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन द एंथेरियोजॉइट स्प्रिंग टू द
ओगोनी। जाहिर है ये बात आप लोअर ऑर्गेनिज्म से पढ़ते आ रहे हैं कि एंथीरियोजाइट्स या मेल स्पर्म्स या मेल गैमेटोफाइट्स या मेल गैमेट्स उनकी ही मूवमेंट होगी, ठीक है ना, जूस्पोर्स की ही मूवमेंट होती है जो मेल हैं, ठीक है। दे आर स्विम टू द ओगोनियम एंड वन एंथीरियोजाइट फ्यूजेस विद द ओस्फियर। एक एंथीरियोजाइट एक ओस्फियर के साथ फ्यूज करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ ओस्पोर इज फॉर्म, ठीक है। अब जब फॉर्मेशन होगी जिसको हम जाइगोट कहते हैं उसको ओस्पोर कहते हैं। इन टर्म्स को थोड़ा आपने याद रखना है कि जो फीमेल गैमीट है उसको नाम है ओस्फियर, ठीक है, और जो मेल गैमीट है उसका नाम है एंथीरियोजॉइट। दोनों की फ्यूजन होगी तो बनेगा ओस्फोर व्हिच इज द 2n एंड जाइगोट, जिसको आप जाइगोट का नाम देते हैं वो ओस्पोर है जो 2n है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओस्फोर जो है वो पहले है, ओस्फियर जो है वो पहले है जो जस्ट फीमेल गैमीट है, और जो ओस्पोर है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ ओस्पोर, द ओस्पोर जर्मिनेट्स एंड फॉर्म अ शॉर्ट फिलामेंट। जो ओस्पोर है वो जर्मिनेट करेगा और एक शॉर्ट फिलामेंट बनाएगा। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओगोनियम, उसको अलग कर दिया जाएगा ओगोनियम से फ्रॉम इट्स लोअर राइजाइड, जो उसका छोटा पीछे वाली साइड पे लोअर राइजाइड है, नीचे वाली साइड पे arises from the help in the attachment, उसके below level पे या lower level पे rhizoid की range जो है वो arise होगा filament से और वो उसको help करेगा attachment to a substratum. The filament then developed into a complete sporophyte plant, और वो जो filament है उसकी भी full development होगी और complete sporophyte plant बन जाएगा। अब ये diagram आप देखें आपको easily समझ आ जाएगी कि किस तरह हुआ। देखें अगर हम start लें यहाँ पे young sporophyte से, 5 to 10 centimeter long young sporophyte बन गया, sporophyte from 1 meter long, ठीक है। अब क्या हो गया कि sporophyte का जो frond है उसका size 1 meter long हो गया, वो और ज़्यादा mature हो गया। mature sporophyte with sori, अब जब sporophyte 100% mature हो गया तो उसके ऊपर sori की production होती है। हमने जैसे पढ़ा कि sori क्या है, sporangium है जो एक cone like structure में group की form में present है, और उनके अंदर क्या बनते हैं zoospores। जब zoospores बने तो उनकी liberation भी होगी, ठीक है। जूस्पोर्स की लिब्रेशन हो रही, जिसको हमने स्पोर्स का नाम दिया या जूस्पोर आप कह लो। अब उस जूस्पोर की जो जर्मिनेशन होती है, जब वो सिंगल होते हैं, जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर्स, जब जर्मिनेशन होगी तो यंग जर्मिनेशन होने के बाद जो है इनके यंग गैमेटोफाइट्स बनेंगे, जो फीमेल गैमेटोफाइट है एंड क्या है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट यंग गैमेटोफाइट्स बन रहे हैं। उसके बाद एग रिलीज्ड ओगोनियम, अच्छा उसके बाद अब यहाँ पे जब इन दोनों के अंदर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर इनके गैमेट्स बनेंगे, जो फीमेल है उसके अंदर एग की रिप्रोडक्शन होगी जिसको हमने ओस्फेयर का नाम दिया है, ठीक है। और जो फीमेल मेल गैमेटोफाइट है उसके स्पर्म की प्रोडक्शन होगी जिसको हमने एंथीरियोजॉइड का नाम दिया, ठीक है। वही टर्म्स हैं, उसको आप उसी तरह अगर एक दूसरे के साथ कंपेरेटिवली याद करेंगे आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अब ये दोनों स्पर्म और एग या फिर एंथीरियोजॉइड और दूसरा क्या है ओस्फियर, इनका रिलीज हुआ है। जब इनका रिलीज होगा विद एक्सट्रूडेड एग एंड स्पर्म, उनका रिलीज हो गया तो उनकी क्या होगी फर्टिलाइजेशन। अब जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा जाइगोड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो जाइगोड है इसी को हमने नाम दिया है ओस्पोर का, तो ये जाइगोड जो यही ओस्पोर है और इसकी ही जर्मिनेशन होगी जब ये किसी सब्सट्रेटम के साथ अटैच होगा, इसके ऊपर जो है वो फिलामेंट बनेगा। देखिए नेक्स्ट है जाइगोड की डिवीजन, जैसे ही उसकी डिवीजन होती जाएगी सिंगल फिलामेंट बनेगा और वो सिंगल फिलामेंट जो है वो स्पोरोफाइट बनाएगा, जिसको हमने यंग स्पोरोफाइट कहा विद 7 cells। पहले वो 7 cell के साथ बन रहा है, फिर उसमें और मेच्योरेशन हुई उसको यंग स्पोरोफाइट का नेम दे दिया, फिर फुल 1 meter का लॉन्ग स्पोरोफाइट बना फ्रॉन्ड उसका, फिर वो मेच्योर हुआ, फिर वही साइकिल दोबारा से इंक्रीज हुआ। इस तरह से स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन दोनों एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रही हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो ये है लैमिनेरिया में किस तरह से उसकी फुल जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो अल्टरनेट कर रही है। अगर आप जस्ट डायग्राम बनाना सीख लें तो आपको थ्योरी लर्न हो जाएगी, अगर आपने थ्योरी लर्न कर लिया तो आपको डायग्राम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहा होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस ज़रूर किया करें, बताया करें, कमेंट्स किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ये कोविड से भी अल्लाह ताला आप सबको प्रोटेक्शन दे, आपको सबकी हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़।